जय श्री कृष्ण अनुपमा बहन। जय श्री कृष्ण अनुपमा बहन। दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? एकदम सरस। और ये समय का पड़ाव कैसा गुजर रहा है? वैसे ही जैसे आज तक जिंदगी का हर पड़ाव गुजरा है। अब परिवार ही दोस्त है और जो बच्चे हैं वही बेस्ट फ्रेंड। लेकिन ये बेस्ट फ्रेंड जो है ना, उनके एक कुछ प्रॉब्लम है। वो सारा टाइम बस मोबाइल में मोबाइल में मोबाइल में, तो मेरे हिस्से का जो समय होता है ना, वो भी उनका मोबाइल ही खा जाता है। ये मोबाइल इसकी तो, और फिर ये जो क्या कहते हैं वो जेनरेशन गैप, आ तो खत्म अच नहीं था तो अरे खर। मतलब उन्हें ना मेरी भाषा समझ में आती है जो मैं कहती हूँ, वो समझ में नहीं आता, और ना ही मुझे उनकी आजकल की भाषा समझ में नहीं आती। पर होगा होगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब ये जेनरेशन गैप खत्म होगा। हम सब साथ में बैठ के मिल के बातें करेंगे, हंसेंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे। होगा होगा, जिस दिन उन्हें मेरी बातें समझ में आएगी और जिस दिन मैं उनकी तरह सोच पाऊंगी। होगा। एक चीज जो मैंने जीवन में कभी नहीं छोड़ी और ना ही छोड़ूंगी, उम्मीद, वो है ना। और कान्हा जी का आशीर्वाद है सर पे, और आप सबका प्यार भी तो है। तो सब अच्छा, सब अच्छा होगा। वैसे आपको और आपके परिवार को मेरे और मेरे अनुपमा परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।